गाइस वेलकम बैक। सो वो सॉन्ग आ चुका है सिंघम अगेन का टाइटल ट्रैक। भाई साहब मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये जो टाइटल ट्रैक है ये इतना सही, इतना बढ़िया बनेगा, इतना अच्छा लगेगा सुनने में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वैसे भी हम सिंघम को देखेंगे तो भाई टाइटल ट्रैक के बारे में बात करेंगे, व्यू काउंट्स के बारे में बात करेंगे, साथ साथ में बात करेंगे क्या इस सॉन्ग से हाइप में कुछ फर्क पड़ने वाला है और सॉन्ग के हाईलाइट्स क्या क्या है, सब कुछ बताती हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अबाउट अजय देवगन। ओके, कुछ ही ऐसे ब्रांड्स हैं अजय देवगन के जो कि आप जिनको हमेशा ये बोलोगे कि यार दीज आर कल्ट, ओके एवरग्रीन, मतलब बहुत सारे हैं वैसे तो। एंड द काइंड ऑफ पोर्ट्रेयल दैट ही डज फॉर दीज काइंड ऑफ सीरियस रोल्स आई थिंक कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो हम सिंघम की बात करते हैं, चाहे हम रोहित शेट्टी की कॉमेडी की अगर हम बात कर लेते हैं गोलमाल, चाहे अगर हम बात करते हैं दृश्यम की, तो मतलब काफी सारे, चाहे अगर हम बात करते हैं विशाल भारद्वाज में ओमकारा की, तो मतलब अजय देवगन हैज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फैन फॉलोइंग एंड अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ डिपिक्शन ऑफ हिज रोल्स। एंड व्हेन इट कम्स टू यू नो सिंघम, ऐसा कोई कल्ट कैरेक्टर जो बहुत सालों से एक अपने कल्ट वाली ही पोजिशन को मेंटेन किए हुए हैं 2011 से लेके अब तक, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि अजय देवगन बिकम्स वेरी सीरियस। और यहाँ पर भाई वो सीरियसनेस दिखाई दे रही है मुझे, एब्सोल्युटली माइंड ब्लास्टिंग। रवि बसरूर का म्यूजिक है और ऑल दो जो पिछली थीम है, जो पहले वाली सिंघम है वही वाली थीम है, वही सॉन्ग है कुछ कुछ और, लेकिन जो मंत्र शुरू में उच्चारण है वो बहुत अच्छा बिल्डअप क्रिएट करते हैं। द विजुअल्स दैट हैव बीन यूज्ड आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्योंकि बहुत सारे एक्शन के हाई एलिवेशन पॉइंट्स हमारे को देखने को मिलते हैं। वी सी मेनी एक्टर्स इन दिस, वी सी ऑफकोर्स द रावण कैरेक्टर अर्जुन कपूर एंड द लक्ष्मण कैरेक्टर टाइगर श्रॉफ ऑल्सो इन दिस, अवनी का कैरेक्टर है यानी कि करीना कपूर का कैरेक्टर है, तो भाई बहुत सारे, एंड ऑफकोर्स सूर्यवंशी है, सिम्बा है, सिम्बा भाई, सिम्बा का एक वो मतलब रणवीर सिंह का एक जो वाला सीन है जिसमें वो बहुत मोटी रस्सियों के एक उस पर बैठे हुए हैं, दैट इज प्रॉपर हनुमान जी वाला एक डिपिक्शन है, जो हनुमान जी जब लंका जलाने गए थे और उनकी जो पूंछ है वो इतनी लंबी थी कि जिसके ऊपर वो पूरा स्पाइरल बना हुआ था उस पर बैठे हुए थे, वो सेम डिपिक्शन है। और भाई क्या जबरदस्त सॉन्ग है, क्या जबरदस्त सॉन्ग है, क्या इससे हाइप बढ़ने वाली है, 500% इस सॉन्ग से बहुत इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये सॉन्ग एक्चुअली वो सॉन्ग था जिसका सबको इंतजार था और ये बहुत लेट लाया यार भाई, इस सॉन्ग को पहले ले आते ना तो अब तक तो आप ये सोचो कि सिंघम की हाइप और भी ज्यादा ऊपर हो चुकी होती, और भी ज्यादा आगे पहुंच चुकी होती, लेकिन नेवर्थलेस अब जो भी कुछ चल रहा है आपको तो पता है, स्क्रीन काउंट्स को लेके झगड़े चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, ईगो बैटल्स चल रहे हैं, बट आई वुड से दैट सिंघम इज अ ब्रांड दैट शुड नॉट हैव एनी लूज पॉइंट्स, कोई भी लूज पॉइंट्स या कोई भी तरीके की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू प्रमोशन ऑफ सिंघम। भाई देखो पूरे के पूरे सॉन्ग में ही बहुत सारे एलिवेशन सीन्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हैं एक सीन जो मेरा पर्सनली मुझे एकदम देखते ही बहुत फेवरेट लगा, बहुत अच्छा लगा, जिसमें सब लोग पकड़ रहे हैं भाई पीछे से सिंघम को, 10-12 लोगों ने पकड़ा हुआ है सिंघम को, बाजीराव सिंघम को, बट ही स्टिल स्टेप्स फॉरवर्ड लाइक अ लायन। और फिर वो जब अवनी का माथा चूमते हैं, क्या जबरदस्त सीन है यार वो, क्या मस्त लगेगा वो जब हम उसको देखेंगे। एंड दैट बीजीएम, रवि बसरूर इज गोइंग टू किल इट, आई एम श्योर ही हैज डन अ फैंटैब जॉब, जो हमारे को अभी देखकर ही सुनकर ही समझ में आ रही है सॉन्ग में। सो एक और चीज जो लैप्सिंग लग गई वो ये कि बहुत चुपचाप ठंडा सा एकदम से रिलीज कर दिया। अभी क्या हुआ कि हम सुबह से वेट कर रहे थे, चेक कर रहे थे, अब आया नहीं आया था, बिलीव यू मी मैं बहुत टाइम से दोपहर से चेक कर रही थी कि कब आएगा यार, कितने बजे आएगा, कोई टाइम का इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ ये तो जरूर पता था कि शाम को आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि शाम को हो सकता है आए, क्योंकि आज के दिन पर शूट भी चल रहा है ऑफ सिंघम एंड चुलबुल पांडे, यस, तो वो जो 2 मिनट का जो कैमियो है जिसके ऊपर पूरी न्यूज वगैरह सब कुछ आ चुकी है कि 2 मिनट का कैमियो है वो लास्ट के एंड क्रेडिट्स में आने वाला है, उसके ऊपर काम चल रहा था, तो उससे लग रहा था मुझे कि ये शायद सॉन्ग को इसका मतलब शाम को ही रिलीज करेंगे, लेकिन भाई व्हाट द वेट, इट वॉज सच अ रिफ्रेशिंग थिंग टू यू नो लुक एट द सॉन्ग, हियर द सॉन्ग। एक चीज पता है मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि सिंघम एज कम्पेयर टू भूल भुलैया, सिंघम इज अ कॉन्टिन्यूएशन, ये कॉन्टिन्यूएशन नहीं टूट रही है बिकॉज ऑफ द कलर ग्रेडिंग। आप ये चीज याद करना कि हमने सिंघम पार्ट 1 में जो कलर ग्रेडिंग देखी थी वही सेम कलर ग्रेडिंग चलती आ रही है और वही अब तक चल रही है, और इसमें तो बल्कि और इनहैंस्ड है, आई सी मोर ऑफ रेड एंड ऑरेंज एंड ब्लैक, स्पेशली ऑरेंज येलो ब्लैक, वो जो मतलब दैट इज पावर फॉर मी, मतलब दैट इज समथिंग जो वो, अगर हम रामायण की बात करते हैं, दिवाली के थीम की बात करते हैं, तो यही कलर ग्रेडिंग है जो दिमाग में आती है। एज कम्पेयर टू भूल भुलैया, भूल भुलैया में भी क्या है कि उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, 2-3, एक तो कलर ग्रेडिंग पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, तो जो ऑडियंस के दिमाग में रिकग्निशन होती है ना या कंटिन्यूएशन वाली चीज होती है ना वो ब्रेक हो जाती है। एंड ऑफकोर्स वी नो कि भूल भुलैया 3 की तो कहानी ही अलग है, बस नाम सेम है और सॉन्ग सेम है, लेकिन
when it comes to Singham, there's a lot of relatability, there is a lot of continuity that we see, and that adds up. That really, really adds up. जिसकी वजह से इसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है. तो भाई वो सिंघम जब वो 2011 में यू नो गंगा में जब वो डुबकी मारते हैं और निकलते हैं सिंघम विद दैट सिक्स पैक एब, यहाँ पे सिक्स पैक तो नहीं दिखती है लेकिन यहाँ पे सिंघम का वो शेर जो है वो जोर जो है वो साफ तौर पे दिख रहा है भाई, वो दमखम दिख रहा है और ये पता चल रहा है कि सिंघम इज गोइंग टू किल इट, लिटरली किल इट. सो अब देखते हैं लड़ाई इनकी कहाँ तक पहुंचती है, क्या होता है. हमको तो फिल्म से मतलब है, अब देख के समझ में आ रहा है. देखो सॉन्ग से भी काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं, काफी कुछ फिल्म का स्केल पता लग जाता है, डायरेक्शन पता लग जाती है कि कैसी होगी फिल्म. भाई फाड़ू, ये तो देखकर फाड़ू, ट्रेलर में बहुत कुछ देखकर समझ में आ गया था कि बहुत थाकड़ वाली इस बार दिवाली होगी. एंड सिंघम की दिवाली जो होगी वो बिल्कुल अलग लेवल के फायर क्रैकर्स होंगे. आई एम श्योर कि सॉन्ग में भी वही मजे आने वाले हैं. अब मुझे पता है और सॉन्ग्स आए या ना आए सिंघम का, जो टाइटल ट्रैक था वो आ गया और आई एम वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद द सॉन्ग. बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा है ये सॉन्ग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल.